अमल के कबूल होने के लिए इखलास नीयत ज़रूरी है। क़यामत के दिन तीन लोगों के बारे में सबसे पहले फैसला किया जाएगा। पहला वो इंसान होगा जो शहीद कर दिया गया, दूसरा कि जिसने इल्म हासिल किया, तीसरा वो होगा जिस पर अल्लाह तबारक ताला ने मालो जायदाद की फरावानी की होगी। एक इंसान जिसने अल्लाह की राह में अपनी गर्दन कटा दी हो, दूसरा इंसान सुबह शाम पढ़ना हो पढ़ाना हो, तीसरा वो इंसान खैर के कामों में अपने माल को बिला हिसाब खर्च कर रहा हो, ये तीनों लोगों के काम बड़े ही अच्छे थे, इसके बावजूद इन्हें जहन्नम में क्यों डाला गया। हम अपने माहौल का जायज़ा लेते हैं ताकि आप होशियार हो जाएं, कहीं आपकी अमल भी रायगा और बर्बाद न हो जाए। समाज को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए तारीखी किरदार, सुनहरे वाकियात, जानिए शेख शमीम अहमद मदनी के साथ हर शनिचर रात 10 बजे सिर्फ iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। माशाल्लाह, दीनी रहनुमाई और दुनियावी मालूमात के लिए हमारा iPlus TV सैटेलाइट पर वापस आ गया है। देखने के लिए केबल ऑपरेटर को अभी कॉल करें। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 9588888826 पर। देखते रहिए iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए।